तो यहाँ पे हम समझेंगे इफ फॉर्मूला। आज हम बात करेंगे इफ फॉर्मूला के ऊपर, इफ फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाए। जैसे मेरे पास सेल्स डाला हुआ है, मुझे यहाँ पे स्टेटस देना है ओके है पेंडिंग, तो मैं चाहता हूँ जो ग्रेटर देन 50 है उस पर ओके आ जाए। ध्यान रखिएगा कि इफ के अंदर में हम लॉजिकल ऑपरेशन डालते हैं जो कि होता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, ये सारे ऑपरेशन हम डाल सकते हैं इफ में। आप यहाँ इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, इसको सेलेक्ट कीजिए ग्रेटर देन 50 तो रिजल्ट ट्रू आएगा। तो इफ का यूज होता है इस ट्रू एंड फॉल्स को आपके खुद के रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे कि हमने यहाँ पे लगाया कि इफ ग्रेटर देन 50 तो यहाँ पे ओके आए, अदरवाइज पेंडिंग आए। तो इफ का काम क्या होता है कि आपका जो लॉजिकल ऑपरेशन होता है उस पर अगर ट्रू आया तो ओके देगा, फॉल्स आया तो पेंडिंग देगा। तो इसके तीन इनपुट होते हैं, पहला टेस्ट डालते हैं, दूसरा अगर यहाँ टेस्ट ट्रू आया तो दूसरा शो करेगा, फॉल्स आया तो तीसरा शो करेगा। तो इफ के यूज हम लोग करते हैं जिसमें अपना कुछ भी रिजल्ट अपना कंडीशन मैच करके अपना रिजल्ट लेके आते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मेरे इस तरह की पूरी कंप्लीट सीरीज में वीडियो चाहिए आपको, लॉन्ग वीडियो चाहिए तो मेरे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। थैंक यू।